एवरीबॉडी, माय नेम इज जूली और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पांच ऐसे बुक्स जो आपको आपके ट्वेंटीज में पढ़नी चाहिए। सो वो कौन से बुक है? फर्स्ट बुक जो आपको अपनी आपके ट्वेंटीज में पढ़नी चाहिए वो है एटॉमिक हैबिट्स। सो जैसे कि टाइटल से, बुक के टाइटल से पता चल रहा है कि एटॉमिक हैबिट्स हैबिट्स के बारे में, जैसे कि हम लोग को बहुत हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कोई भी हैबिट्स, बैड हैबिट्स, जो बुरी आदत होती है वो क्या कहते हैं अपने लाइफ से ख़त्म करें, डिलीट करने में और गुड हैबिट्स इंक्लूड करने में। तो ये बुक आपको एक्चुअली सजेस्ट करेगा कि कैसे, और एक्चुअली फॉर्मूला बताएगा कि कैसे आप गुड हैबिट्स को अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, कैसे बैड हैबिट्स को डिलीट कर सकते हो। और ऐसा भी, और इस बुक में एक और बात बताई है उन्होंने कि कैसे आपकी जो हैबिट्स है ना, स्मॉल स्मॉल हैबिट्स आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है। जैसे कि अगर आप डेली 2 या 3 पुशअप या कर रहे हो और वो कंसिस्टेंटली रेगुलरली कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ गए। सो धीरे धीरे करना है, स्लोली करना है, बट रेगुलरली कंसिस्टेंटली करना है। स्मॉल हैबिट्स, स्मॉल चेंजेस करने हैं, कैसे अपने लाइफ में आपको एक बड़ा चेंज कंपाउंड होके उससे आपको दिखेगा। और एक और बात बोली है इस बुक में कि आपको 1% बेटर एवरी डे करना है। सो ये हैबिट्स के बारे में। सेकेंड बुक है द डिफाइनिंग डेकेड और इसे लिखा है मैक जे ने। सो ये बुक एक्चुअली है ही ट्वेंटीज के लिए। इस बुक की लाइन भी है कि कैसे आप ट्वेंटीज को यूटिलाइज कर सकते हो, हाउ यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ योर ट्वेंटीज। आप अपने ट्वेंटीज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। तो इन्होंने एक्चुअली बताया है कि ट्वेंटीज में आपको कैसे चीज़ें किन सारी चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए, कैसे फोकस करनी चाहिए। सो सारी ये ट्वेंटीज की बुक है द डिफाइनिंग डेकेड। थर्ड बुक है रिच डैड पुअर डैड। जैसा कि हमें पता है कि ये बुक एक्चुअली बहुत फेमस है, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है और फाइनेंशियल के बारे में। जैसा कि हमने कॉलेज स्कूल कहीं भी फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं नहीं मिला है हमें ये नॉलेज मिला है कि कैसे जॉब लेना है, कैसे पढ़ाई करके चीज़ें जॉब लेना है, पैसे अर्न करना है, लेकिन ये नहीं नॉलेज मिला है कि उस पैसे को हमें एसेट में कैसे कन्वर्ट करना है, उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है। सो टोटली अबाउट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन ये बुक पूरा आपको देगा। और ये बहुत ही ज़रूरी बुक है, ज़रूरी है लोगों को, कि लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उन्हें फाइनेंशियली कैसे इन्वेस्टमेंट चीज़ें करनी चाहिए। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट बुक पे, वो है सो योर वर्क बाय ऑस्टिन क्लेयोन। सो ये बुक बहुत ही सिंपल बुक है, बट ये आपको आपकी क्रिएटिविटी आपकी बताएगा कि आपको कोई क्रिएटिव वर्क करने के लिए एकदम इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं। कोई भी पर्सन, कोई भी एक नॉर्मल इंसान एक क्रिएटिव पर्सन हो सकता है, क्रिएटिव चीज़ें कर सकता है। और इस बुक की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने बताया कि टीच व्हाट यू लर्न। जो भी आप सीखते हो ना, वो कोशिश कीजिए कि जिसे भी नॉलेज चाहिए उसको सिखाने की। सो ये इस बुक की बहुत अच्छी पॉइंट थी। नेक्स्ट बुक की तरफ पढ़ते हैं, वो फिफ्थ बुक है, वो है थिंक एंड ग्रो रिच। सो ये बुक एक्चुअली बाइबल है सक्सेसफुल पीपल की, बोल सकते हैं। और कैसे एक एक चीज़ दी गई है कि कैसे आपके इमोशंस वर्क करते हैं, कैसे 30 कॉज दिए गए हैं कि 30 कॉज फेलियर के, क्यों आप फेल होते हैं, क्या रीजंस है, 30 रीजंस दिए गए हैं। फिर हमारे इमोशंस कैसे होते हैं, अगर पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस के बारे में दी गई है। फियर्स हमारे होते हैं, फियर्स जो 6 फियर्स हैं वो कैसे हम उसको डील करें। सो एक एक चीज़ दी गई है। मेरे ओपिनियन से
अगर कोई सेल्फ हेल्प बुक में एक बुक पढ़ना चाहता है तो ये थिंक एंड ग्रो रिच सफिशियंट है। अगर आप सीरियसली इसको इस बुक को जितने भी चीज़ें लिखी है ना, बहुत सारी, थोड़ी भी अगर आप चीज़ों को अप्लाई करोगे ना, तो बहुत हद तक आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। और कितने 30 कॉज दिए गए हैं कि क्या क्यों फेल होते हैं लोग, फेलियर्स की कॉज हैं, और इसमें से कौन से कॉज की वजह कॉज आपके हैं। ये एक एक चीज़ आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर देगी। और जैसा कि लिखा हुआ है, थिंक एंड ग्रो रिच, बिल्कुल सही है। अगर आप एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना चाहते हो तो ये बेस्ट बुक है। इसके बाद शायद आपको जो नीड नहीं होगी, क्योंकि सारी चीज़ें दी हुई है इस बुक में। अगर आप 15-20 सेल्फ हेल्प बुक भी मिला लेंगे ना, तो इस बुक का ये बुक नंबर वन ही रहने वाला है। ये 5 बुक थे जो आपके आपको 20s में पढ़नी चाहिए, और आपके 20s को बहुत, और आप अपने 20s को यूटिलाइज कर पाएंगे बहुत अच्छे से। दैट्स इट। आप पढ़िए और मेरे को बताइए कि आपको ये बुक्स हेल्प किए कि नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।